खाटू नरेश की बोले शाम प्यारे की। सबसे पहले तो जी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो हमारे महाराज अग्रसेन जी महाराज का जयंती उत्सव हम सब यहाँ मना रहे हैं। और भैया जी बड़ा सुंदर सारा वर्णन कर रहे थे, थोड़ा सा गैप ले रहे थे बस ज्यादा, बाकी अच्छा बोल रहे थे। एक बार भैया जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बड़ा कोशिश कर रहे थे पूरा महाराज जी के बारे में आपको बताने का। देखो आप कितनी भी कहानी कितनी भी कथा कितना भी स्टोरी आप हमारे महाराज जी का आप सुन ले, आपको एक ही चीज कुल मिलाकर उसमें पता चलती है कि महाराज जी ने हमेशा हमको मतलब हमेशा ही हमको हाथ यूं रखने के लिए बनाया है। ये उनका हम पर आशीर्वाद है कि हमारा पूरा अग्रवंश हमेशा ही सिर्फ एक भगवान के आगे हम लोग यूं करते हैं, वरना पूरी दुनिया में हमें कभी किसी के आगे यूं नहीं करना पड़ता, हमारा हाथ सदैव यूं रहता है। ये उनका आशीर्वाद हम पर बोल रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और जो एक रुपए और एक ईंट की प्रथा है जी, मुझे आपको सब कुछ ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे बैठे होते ना, मैं उनको कुछ ज्ञान देता कि मैं उन्हें कुछ बताता। आप लोग मेरे से इतने बड़े हैं, आप लोग सब समझदार हैं, आप सबको मालूम है कि उन्होंने तो जो एक रुपए एक ईंट वाला इतना बड़ा आप सब जानते ही है जी। तो वैसे ही आप लोगों के सहयोग से आप सब जानते हैं पूरे भारत में हमारा अग्रवंश जो है, हमारा जो अग्रवाल समाज है, 60 से 65% तो बोले जितना धार्मिक कार्यों में सारा सहयोग जाता है वो हमारा पूरा अग्रवंश की तरफ से रहता है। और 35% तक मैंने सुना है कि पूरा टैक्स भारत का अग्रवाल समाज पे करता है जी। बहुत बड़ी बात है, आप समझिए 65% पूरे समाज मिलाकर और खाली 35% सिर्फ अग्रवाल समाज, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ जी, लेकिन फिर भी श्याम बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने मेरी ड्यूटी ऐसी लगाई है अपने चरणों में कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखता हूँ सुनाता हूँ। तो दो चंद लाइनें आज महाराज जी के चरणों में मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के उनसे माफी मांग रहा हूँ कि 5 मिनट उनकी कथा में विलंब ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ड्यूटी लगा है उसे निभाता हूँ। महाराज अग्रसेन जी के लिए दो चंद लाइनें लिखी है जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। भैया एक बार जी दिखा दो खाली 3.5 नहीं खाली जी, ये आपको नहीं जी, हमारा वाला भाषा है। 1 मिनट बस बोलिए अग्रसेन जी महाराज की। आइए आपको अच्छा लगेगा जी, एकदम बिल्कुल कल लिखा था, मुझे याद आया कि मुझे आज तो इधर आना है, तो मैं फटाफट से लिखा, मैंने कहा कल कुछ सुनाना है। आइएगा मारे अग्रसेन के हाथों, मारे अग्रसेन के हाथों, मारे अग्रसेन के बन गए बड़े बड़े शाहूकार, मारे अग्रसेन के हाथ बन गए बड़े बड़े शाहूकार, मारे अग्रसेन के हाथ, 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 बड़े बड़े कि भैया जी ने इंद्रदेव की आपको बात सुना रहे थे, उसी के ऊपर ये लिखा है। जब इंद्र सिंहासन डोला, जब इंद्र सिंहासन डोला, महाराज पे धावा बोला, बताया ना जी बारिश रुकनी बंद कर दी थी। जब इंद्र सिंहासन डोला, महाराज पे धावा बोला, जब इंद्र सिंहासन डोला, महाराज पे धावा बोला, और हरा इंद्र देव हर बार, मारे अग्रसेन के हाथ, हरा इंद्र देव हर बार, मारे अग्रसेन के हाथ, हरा इंद्र देव हर बार, मारे अग्रसेन के हाथ, हरा इंद्र देव हर बार, मारे अग्रसेन के हाथ। इन्होंने एक बात और बताई थी आपको महाभारत के युद्ध की, जहाँ इन्होंने सबकी सेवा करी थी, सुनो उसके लिए भी लिखा। महाभारत युद्ध हुआ था, पांडव का साथ दिया था, महाभारत युद्ध हुआ था, पांडव
झुक गया कौरव का परिवार मारे अखिल से बोलने जाना, मुझे आपका समर्थन चाहिए। पहले सुनो, जब पगड़ी बांध निकलते, जब निकलते, जब पगड़ी बांध निकलते, दुश्मन के कलेजे हिलते, जब पगड़ी बांध दुश्मन के और झुक गई बड़ी बड़ी सरकार मारे जो आज मैंने अपने फेसबुक पे भी अपलोड किया था गा करके सुनना। भरी अग्रवंश की झोली फिर लक्ष्मी माँ थी बोली, भरी अग्रवंश की झोली फिर लक्ष्मी माँ थी बोली, क्या बोली, रहूंगी भरती मैं भंडार, रहूंगी भरती मैं भंडार, हारे अग्रसेन के हाथों रहूंगी भरती मैं भंडार, हारे अग्रसेन के बोली अग्रसेन जी महाराज की। एक बार पुनः आप सभी को, मेरे पूरे पाटड़ा निवासियों को महाराज अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जी, मैंने कहा ना जी, अग्रसेन महाराज के बच्चे तो हमेशा यूं रहते हैं जी। माता रानी श्याम बाबा आप पर खूब, आज नवरात्रे हैं जी, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सब पर कृपा करे। और सबसे बड़ी बधाई, आज आप जिस आंगन में बैठे हो हमारे श्याम बाबा का ये मन है जी। अरे अरे, बोलिए अग्रसेन जी महाराज की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो श्याम प्यारे की। अच्छा ठीक है। पातड़ा का जो ये परिवार है सुनना, अग्रवंश का ये जो परिवार है, कुछ ऐसी लाइन बोल दो जिससे बाबा के दरबार में भी मैं वो काम भी अपना पूरा कर जाऊं। अग्रसेन जी का ये जो परी श्याम धनी का दिल से सेवादार, वो श्याम धनी का दिल से सेवादार। कौन कौन है श्याम बाबा का सेवादार, दोनों हाथ उठाकर एकदम सीधे और झूम कर गाना, अग्रवंश का ये जो श्याम धनी के हुए दीवाने, श्याम धनी के हुए दीवाने।
अगले साल पुनः महाराज अग्रसेन जयंती पर हर साल सजेगा ये दरबार है। प्रधान जी मैं ढूंढ रहा था कहाँ रह गए भैया, तालियां बजाइए जरा एक बार जोर से। हाँ जी, हर साल सजेगा ये दरबार है, हर साल सजेगा ये दरबार है। शुक्रिया श्याम बाबा, माता रानी, भगवान का आशीर्वाद, महाराज अग्रसेन जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मैं आपसे फिर कहूंगा जी, वो हमारे हम अब कितनी बड़ी किस्मत है जी। आप देखिए, उन्होंने बताया नल्लभ और कुश, और कुश के 34वीं पीढ़ी में महाराज अग्रसेन जी, यानी कि हम सब राम जी के वंशज हैं। तो अपने कार्य को इसी तरह करते रहे, प्रभु के चरणों से जुड़े रहे, और हमारे अग्रवाल समाज का नाम इसी तरह और भी ज्यादा रोशन करते रहे। बोल सच्चे दरबार की। शुक्रिया जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अग्रवाल समाज का, प्रधान जी का, सबका बहुत बहुत, पूरी मंदिर कमेटी का धन्यवाद जिन्होंने आज यहाँ बुलाकर मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार दिया जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे शहर का शुक्रिया।